अंत में चलते चलते एक अंतिम सवाल जो हर किसी के जुबा पे है, लगातार ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर यह जो पोर्टल के माध्यम से पेमेंट मिलने वाला है वो हमसे बेटर आपको जो सहारा के अभिकर्ता हैं वही बता पाएंगे। इनसे ही पूछ लेते हैं, कई लोगों का सवाल है कि जो पोर्टल के माध्यम से सरकार जो लगातार बात कर रही है कि हम पैसा देना शुरुआत कर रहे हैं, तो वो पहले किसको मिलने जा रहा है और कैसे मिल रहा है? जो गरीब गुरबा है वो क्या समझता है, हम खेत में काम करने वाले लोगों से हम पैसा ले लेके आए हैं, हम आज उनको क्या समझाएंगे? और वो क्या समझता है पोर्टल, वो क्या समझता है ऑनलाइन क्या होता है, उनको हम कैसे कराएंगे और वो क्यों करेगा? और आज हमको सुबह सुबह फोन आया है, उनका 6 लाख का MIS चलता था, 6,000 रुपया महीना उनको मिलता था, आज उनको 1 रुपया 1.5-2 साल से नहीं मिल रहा है, वो अपना परिवार कैसे चला रही है? हमसे सुबह सुबह वो बोली है कि हमको जिंदा में पैसा नहीं मिल रहा है, मरेंगे तो मेरा कब्र में जाके पैसा देना। क्या जवाब दें उनको, कोई जवाब है? आज वो 10,000 रुपया लेके क्या करेगी? आप ये 10,000 क्यों दिया रहा है? हम 5 लाख जमा किए हैं, 2 लाख जमा किए हैं, हम 10,000 लेके कैसे शादी हम करेंगे? बेटी के लिए हम रखे थे, वो हम कैसे शादी करेंगे 5-10 हज़ार में? 10,000 उसका नियत खराब है सर। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूँ। सहारा इंडिया होय होय, सहारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुब्रत राय को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, फांसी दो, फांसी दो, भारत सरकार सुब्रत राय को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमित शाह बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम HEC एरिया धुरवा एरिया में हम आए हुए हैं, जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन लोग कर रहे थे। 1-2 दिन पहले इन्हीं लोगों के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया था सहारा इंडिया के खिलाफ। सबसे बड़ा सवाल है और सवाल आज भी बना हुआ है, क्या भाई कब मिलेगा पैसा? कल सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और वो पोर्टल का क्या कुछ स्थिति है, कैसे पैसा मिलेगा, हालांकि उनका कहना है, मैं शुरुआत कर रहा हूं। सहारा रिफंड पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि भाई मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो चलो कम से कम एक आस तो बन गई है कि भाई पैसा मिल जाएगा, 10,000 ही सही मिल जाएगा। लेकिन जो जमाकर्ता हैं, जो खास करके जो एजेंट हैं, और हम इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप एक क्लिप देख लीजिए कि गृह मंत्री सहकारिता मंत्री और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। 1,07,00,000 निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। तो अभी आपने सुना, लेकिन अब आइए हम जो अभिकर्ता हैं, अब इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग आंदोलन किए और ये दिल्ली तक बातें पहुंची। चाहे हम इससे पहले की बात कर लें, पटना में भी जुलूस निकला, कई दिनों तक लोग धरना में बैठे रहे। लखनऊ की बात करें, वहाँ पे भी लोग धरने पे बैठे और लगातार प्रोटेस्ट करते रहे सहारा के खिलाफ। और रांची में तो कहना ही नहीं है, आए दिन लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी DC ऑफिस के पास तो कभी सड़कों पर, कि क्या कुछ परिस्थिति है। आइए हम बात करते हैं जो अभिकर्ता हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप लोग? 2 दिन पहले मैंने देखा कि मशाल जुलूस, मतलब काफी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी आप लोग मशाल जुलूस निकाले सरकार के खिलाफ, आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते नजर आए। और 2 दिन बाद ये खबर आती है उस पोर्टल के माध्यम से जो भी सहारा में लोग निवेश किए हैं उनका पैसा रिफंड मिलेगा, तो आप लोग अब खुश क्यों नहीं है? जी, जैसे आपने बोला, 2 दिन पहले हम लोग भारत सरकार अमित शाह जी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाले थे और एक आम सभा इसी जगह पर किए थे हम लोग। इसका कारण ये था कि ये जो पोर्टल लॉन्च अमित शाह जी ने किया उसके विषय में जानकारी हम लोगों को पहले से हो चुकी थी। इसमें खामियां कितनी थी, उम्मीद बहुत थी सरकार से, भारत सरकार से, मोदी जी चाहे अमित शाह जी, सहकारिता जो मंत्री है BL वर्मा सर, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया पहले की भांति। जैसे जाना जाता है कि BJP सरकार होती क्या है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, वही काम फिर से अमित शाह जी ने करके दिखा दिया। इन्होंने किया क्या,
सहारा के जो मालिक सुब्रतो राय हैं, जो 420 क्रिमिनल है, कितना हत्या का केस उनके ऊपर है, गंभीर 3000 से ज़्यादा केस है, उनको साफ साफ बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत हद तक करने के प्रयास कर चुके हैं वो, और ये भी कर लिए हैं कि इनको जल्द से जल्द विजय माल्या चाहे नीरव मोदी जैसा भारत से फिर अलविदा करा दिया जाए और गरीब मरते रह जाए। ये चाहत लेकिन इनकी पूरी जल्द नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार जो कर दिया, अभी इनको गरीब दिखे नहीं, गरीबों की स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है, उनका जिंदगी भर का पैसा लगा हुआ था यहाँ, और उसके लिए क्या अमित शाह जी ने क्या कर लिया, एक पोर्टल है, पोर्टल का मतलब है क्या, जिसके पास एक फ़ोन नहीं है वो फ़ोन कर देगा, आधार से लिंक कराएगा, बैंक पासबुक अकाउंट नंबर ये करेगा, पैन कार्ड करेगा, और कैफे के चक्कर काटेगा वो, और आप दे क्या रहे 10,000, मतलब भीख दे रहे क्या आप? मेरा एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसका 10,000 रुपये होगा, किसी का नहीं होगा। क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? आज सारा चीज़ स्कैन करके आप मंगा लीजिएगा, सारा ओरिजिनल पेपर का स्कैन मंगा रहे हैं आप, बाकायदा उस पर साइन करवा रहे हैं, कल के डेट में आपका इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद एक रुपये नहीं दीजिएगा, किसके पास जाएगा आदमी, किसके पास जाएगा? सुब्रतो राय तो लूट लिया सबको। बहुत सोच समझ के अमित शाह जी ने क्या किया हम बता दे रहे हैं। पोर्टल का जो कल लॉन्चिंग था, जितने सहारा के 4 डायरेक्टर जिसमें हत्यारा सुब्रत राय भी था और उनकी वाइफ भी थी, बहुत लोग थे, और 400 आदमी जो जमाकर्ता के रूप में बुलाए गए थे, जिन्हें सेंट्रल रजिस्ट्रार ने पास दिया था, वो कोई जमाकर्ता नहीं थे, वो सब सहारा के एक अधिकारी थे, कोई एफसी मैनेजर था, कोई जोनल चीफ था, कोई आरएम था, मतलब जितना चोर था सब इकट्ठा कल हुआ था, छोटा सुब्रतो राय सब। और भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के बोला कि गरीबों का पैसा लूटने से बचा दिए। अरे लूटने से बचाया नहीं, आप उन लोगों का जान ले ली आप। 10,000 रुपये में किसी के बच्ची की शादी होगी, किसी का इलाज होगा, किसी का बाल बच्चा पढ़ लेगा, ये कुछ और नहीं है। कल का पेपर देखिए, आप लोग का धन्य है सोशल मीडिया का, जो आप लोग न्यूज़ शुरू से चलाए और कंटिन्यू दिखाते हैं, समझाते हैं। ये गोदी मीडिया जो बड़े घराने की है, आज तक मुंह से बकार ना निकल रहा था इन लोगों का, कल से धड़ल्ले से पेपर में छप रहा है सहारा के विषय में। क्यों भाई, 3,000 से लोग ज़्यादा मर गए, सो गए थे आप लोग, थे कहाँ? इतने लोग घर द्वार छोड़ दिए, कितने लोगों को, बच्चों को निकाल दिया गया, शादी विवाह नहीं हुआ किसी का, बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, वहाँ कहाँ थे आप? इतना FIR सुब्रतो राय के ऊपर हुआ गंभीर मामला, आपने कुछ किया क्या? एक लाइन लिखने की हिम्मत नहीं थी। आप लोगों को आदेश था और मोटा पैसा शायद मिलता है आप लोगों को, नहीं पता किस कारण से आप लोग ये किए, या तो डरते हैं। आज कैसे अब बड़े बड़े अखबारों में छप रहा है कि अमित शाह जी दे रहे सहारा पैसा दे रहा है, कि कोई अपने घर से एक रुपये नहीं दे रहा है, ये पैसा गरीबों का है। चलिए, ये पैसा गरीबों का है भाई, पोर्टल के खिलाफ आक्रोश है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 10,000 रुपये से होगा क्या, सवाल यही उत्पन्न हो रहा है लोगों के दिल में, एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं हम तो जमा कर देंगे, बाद में ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि 45 दिनों में पैसा आपका रिफंड होगा, हम मात्र 45 दिन आपसे मांग रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन नाराजगी है, नाराजगी हम इनसे जानेंगे कि आप कुछ बता रहे थे पोर्टल के बारे में। पोर्टल के बारे में यही बता रहे थे, अमित शाह जी ने जो पोर्टल जारी किया उनको कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है ये तो पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है वो पता नहीं है, ये अपने मन से बड़ा बड़ा बात बोल करके चले जाते हैं। 1,07,00,000 आदमी का पेमेंट करना है और सबको देना है 10,000, उस हिसाब से हो जाता है 11,000 करोड़, और इनके पास है 5,000 करोड़, कैसे पेमेंट होगा? पेमेंट हमको बता दें कैसे होगा पेमेंट। अब पोर्टल क्या है, आप पोर्टल में ऑनलाइन करने के लिए बोल रहे हैं, और इधर आपका 6 महीने पहले BL श्रीवास्तव जी का स्पीच था कि जो फिजिकली जो कंप्लेन भेजा है 1,22,000 कंप्लेनर है, पहले सबसे पहले उनका भुगतान होगा और उसके बाद दूसरे का भुगतान होगा, जो कोर्ट से कंप्लेन गया है उसका भी CRC रजिस्ट्रेट कर दी थी और उसका भुगतान होगा। आज बोल रही है कि नहीं ऑनलाइन कंप्लेन करोगे तभी भुगतान हो पाएगा, तो आप बताइए, एक तरफ तो बोलते हैं ऑनलाइन करना है, एक तरफ बोलते हैं फिजिकली करना है, तो दोनों बतवा तो अपने बोलते हैं अमित शाह जी, तो इनका मतलब है इनके नीयत में खोट है।
जो बताना नहीं चाह रहे हैं। आज गोदी मीडिया को देख लीजिए कि पहले हम लोग आंदोलन करते थे या जंतर मंतर गए, गोदी मीडिया भागती नजर आई। आप लोग का तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज जमाकर्ताओं को बताया जा रहा है क्या हकीकत है। आज ये देख लीजिए कि भचर भचर एक टोटल लॉन्च किया हुआ है, वो आपका भचर भचर और पेपर में और सारा मीडिया उसको कवर किया कि 10,000 आपके घर तक जाएगा पैसा, आपके अकाउंट में रिफंड हो रहा है, सरकार रिफंड करवा रही है। तो आप एक चीज़ बता दीजिए, सीतारमन जो वित्त मंत्री है पार्लियामेंट से घोषणा की कि 86,000 करोड़ रुपया मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है मार्केट का पूरे इंडिया का, तो 5,000 करोड़ से कैसे भुगतान होगा ये हमको जानना है अमित शाह जी से। सवाल यही उत्पन्न हो रहा है और लोगों में एक आक्रोश है, लेकिन फिर से हम वही कहेंगे सरकार कह रही है ये तो बस अभी शुरुआत है, कम से कम जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे एक डेटा मेरे पास आ जाएगा उस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। लेकिन महिलाएं भी हैं और देखिए इससे हमसे ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से ये खुद एजेंट हैं लोग और ये बेटर जान रहे हैं, इसीलिए अपनी बातों को रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पर भी सरकार इस बात को क्लियर कर पाएगी कि आखिर जो इनके मन में संशय है, जो शंका है, वो दूर कैसे होती है। ये आपका काम है इन शंकाओं को दूर करना, क्योंकि हमारा काम है जो लोगों के दिल में बात है, जो चीज़ को लेकर के लोग आक्रोश हैं, सड़कों पे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये क्लियर करना आपकी जवाबदेही बनती है और इन तमाम सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। क्या कहेंगी सर? पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो और नाराज हैं सर, बहुत दुखी हैं। हम लोग के पोर्टल में क्या, बहुत गरीब लोग हैं जो खुचका बेचती है, जो ठोंगा बना के बेचती है, जो सब्जी बेचती है, उनको थोड़ी पता है कि पोर्टल क्या होता है, टोटल क्या होता है, उसमें नहीं पता उन लोग के सर। सिर्फ उन लोग जानते हैं सहारा से हमको पैसा मिलेगा। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि अब तो फिर से वो वहाँ जाना पड़ेगा, कैफे में जाना पड़ेगा, वो भी पैसा लेगा। हाँ सर, वो भी बोल रहे हैं, पार्टी लोग बोल रहे हैं कि हम कैफे में हम नहीं जानते हैं, पैसा आपको दिलाना है। आप ये 10,000 क्यों दिया रहा है, हम 5 लाख जमा किए हैं, 2 लाख जमा किए हैं, हम 10,000 लेके कैसे शादी हम करेंगे? बेटी के लिए हम रखे थे, वो हम कैसे शादी करेंगे 5-10 हज़ार में? अरे 10,000 उसका नीयत खराब है सर, अमित शाह के नीयत खराब है, मिले हुए हैं सर उन लोग, इसलिए तो वो 10,000 दे के सबका छुटकारा पा रहे हैं कि 10,000 हम दे देंगे सबका झुंझुना बच जाएगा, हमारा वोट मिल जाएगा, हम फिर वही गद्दी में बैठ जाएंगे। सवाल फिर से वही आ गया घुमा फिरा करके, 10,000 रुपया जिसका 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख जमा है, वो 10,000 एक ठोक कहावत है, ऊँट के मुँह में जीरा। क्योंकि सरकार को भी ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि बाकी का रकम कब मिलेगा, इसीलिए सवाल उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे हमारे समक्ष एक और महिला को आप देख रहे होंगे, ये जब भी बात हमसे करती हैं भावुक हो जाती हैं और ये भावुक ऐसे नहीं होती हैं, ये दर्द है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं का दर्द है, अपनों ने छोड़ा, गैर तो गैर थे, अपनों ने भी छोड़ दिया और अपनों से क्या कहें, ये सहारा ने सब कराया, ये कहते कुछ दिन पूर्व आप लोग को नजर आए थे ये सभी लोग। क्या कहेंगी आवाज, चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है, मतलब खुश हैं आप कल के डिसीजन से? जी नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, ये तो वही चीज हो गया, जन्म कर्म हुआ तो मार ही दो वाला हिसाब है, लेकिन ऐसा ना मारे तिल तिल के, देना है तो एक बार में दे, नहीं तो ना ही दे। हर दिन तो हम लोग ऐसे झेल ही रहे हैं सर, जैसे आप बोले कि जब भी हम बोलते भावुक हो जाते हैं, दर्द सही में बहुत है। पिछले साल अभी 14 तारीख बीता भी नहीं है, बड़ी वाली जेठ सास डेट की थी, ये महीना 7 तारीख को बड़ा वाला जेठ का ऑपरेशन हुआ, अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से लाए हैं, 1 रुपया का हम अभी भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। इतना ऐसा मेरा घर बट गया है ना कि एक चूल्हा है लेकिन दो जन का पकता है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या बोले, नहीं बोल पा रही हैं। ये वही आंसू आज भी दिख रहे हैं, क्योंकि इन 10,000 रुपयों में क्या होगा, सवाल यहां उत्पन्न हो रहा है। तो वो पैसा जो है क्या आपका है या किसी और का है? मेरा भी है सर और हमारे सामान्य जमाकर्ता का भी है,
लेकिन जैसे पोर्टल के माध्यम से बोला जा रहा है कि 10,000, तो कोई भी जमा करता कितनों भी गरीब है ना, तो ये 5 से 10 हज़ार नहीं, उससे ज़्यादा ही है। तो हम 10,000 ले के चटनी चटाने जैसे नहीं ये कर सकते हैं। इसलिए जो भी कल लॉन्च हुआ है ना, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। जमा करता भी हैं और अभी करता भी हैं, क्या कहेंगी? ये जो पोर्टल पोर्टल करके जो कल से इतना हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हम समझते हैं और लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा है वो क्या समझता है? हम खेत में काम करने वाले लोगों से हम पैसा ले लेके आए हैं, हम आज उनको क्या समझाएंगे? और वो क्या समझता है पोर्टल, वो क्या समझता है ऑनलाइन क्या होता है, उनको हम कैसे कराएंगे और वो क्यों करेगा? और आज हमको सुबह सुबह फ़ोन आया है, उनका 6 लाख का MIS चलता था, 6,000 रुपया महीना उनको मिलता था, आज उनको 1 रुपया 1.5-2 साल से नहीं मिल रहा है, वो अपना परिवार कैसे चला रही है? हमसे सुबह सुबह वो बोली है कि हमको जिंदा में पैसा नहीं मिल रहा है, मरेंगे तो मेरा कब्र में जाके पैसा देना। क्या जवाब दें उनको हम? कोई जवाब है? आज वो 10,000 रुपया लेके क्या करेगी? जिसका 6 लाख रुपया है वो 10,000 लेके क्या करेगी? हम खुद, मेरा पैसा है, हम 10,000 लेके क्या करेंगे? हम पिछले 1.5-2 साल से हम कर्ज में हैं, इसी के लिए हम सर्टिफिकेट में छोटा छोटा सर्टिफिकेट हम जमा करके रखे थे कि हम बेटी का शादी करेंगे। बेटी का जब शादी तय हुआ, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, हम कहाँ से शादी करते? लोन लेके हम शादी किए हैं, आज हम लोन भर रहे हैं, आज वो 10,000 से हम लोन चुकता करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे कि बेटा को पढ़ाएंगे? पैसे के अभाव में बेटी को हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, बेटा को हम अच्छा कॉलेज में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। किस चीज़ के लिए हम पैसा जमा किए थे और लोगों का हम क्यों जमा कराए थे? आज यही 10,000 लेने के लिए, यही 10,000 लेने के लिए सवाल यही फिर से वही उत्पन्न हो गया। क्योंकि यहाँ पे सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि 10,000 यदि आप पहला किस्त दे रहे हैं तो सेकंड किस्त या बाकी का रकम कब? क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं 5,000 करोड़ रुपया है और देने वालों की संख्या, इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद कुछ गणित में मिस्टेक हो रहा है। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? सर, पोर्टल लॉन्च करके मोदी जी अपना इलेक्शन का स्टंट कर रहे हैं। सर, 2024 में चुनाव है तो सोचे कि गरीब जनता को 10,000 रुपये दे के हम ठग देते हैं, अब बाकी जीत जाएंगे, उसके बाद दुशहरा श्री को बचा ही रहे शुरू से। अगर नहीं बचाते तो सर हमारे 3,000 साथी आज मौत के गाल में चले गए सर, इसी सहारा का वजह से। वैसा आदमियों को सर ये लोग संरक्षण दे कर रखा है सर, बचा कर रखा है सर। अभी जो पोर्टल लॉन्च हुआ है सर, इसमें बहुत सारा जो कस्टमर है सर, जमा करता है, उसका सर्टिफिकेट में सर नाम दूसरा है, जबकि उसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक कर दिया ये ऑफिस वाला सर, सहारा का ऑफिस वाला तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मिलवे नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आपका डॉक्यूमेंट मैच करेगा आधार कार्ड से और ये बैंक से, तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। हाँ, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर, उन लोग कहाँ जाएगा सर? जो डेथ में त्रुटि हुआ है सर, उसका भी मतलब कुछ पोर्टल में कोई जिक्र नहीं है सर। और क्या बोलते हैं, जिसका अभी तक मैच्योरिटी नहीं हुआ है उसका तो पोर्टल में कहीं नामो निशान नहीं है सर, वो लोग कहाँ जाएगा सर? ये अमित शाह का ये छलावा है, पोर्टल एक छलावा है, वो गरीब लोग का पैसा नहीं देना चाहते हैं। और 10,000 में क्या होगा, जिसका 10 लाख जमा है, करोड़ों रुपया जमा है, वो उनको पैसा कैसे देंगे? ये सहारा और अमित शाह का दोनों का तालमेल है, उन्हीं के कहने पर 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया गया, जबकि सेबी वो कहा था कि 20 तारीख को हम पोर्टल लॉन्च करेंगे, और इन लोग 2 दिन पहले ही अपने बूते पर अपने खर्च पर होटल को किया, अपने स्टाफ को रीजन को सबको बुला कर करके अपना लॉन्च करवाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना खर्च हुआ वो सहारा का पैसा था? बिल्कुल, सहारा सब करता है, वकील से लेके कोर्ट कचहरी सबको शामिल किया, कहाँ तक सरकार को भी पैसा ये सहारा देकर खरीद लिया है। और कल टीवी न्यूज में आया कि 10,000 में अब दे करके 10,000 करोड़ को वोट बैंक को बना लिया, ये आपका टीवी न्यूज में चल रहा था पेपर, जो देखे होंगे सुने होंगे हमारे जनता लोग, वो अपना सामने है, मेरा नहीं और सबका सामने प्रत्यक्ष है, ये वोट बैंक बनाने के लिए 10,000 का लालच दिली है, लॉलीपॉप चटा रहे हैं। तो क्या अब आगे यदि आगे की हम बात करें कि जो आपने अभी बोला कि जो अमित शाह का लाइव सेशन जो चल रहा था 10 मिनट का, वो आप चलाइए, बहुत अच्छा बात है। और हम जमाकर्ताओं से बोलना चाहेंगे वो लाइव सेशन बढ़िया से सुने समझें। हम 10 मिनट 13 मिनट का है वो हम नहीं चलाएंगे, दर्शकों माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम वहाँ थी नहीं, दूसरे का ये विजुअल है, हम कॉपीराइट से भाई हम लोग को टेंशन है, क्योंकि दूसरे का ये वीडियो है तो हम पूरा नहीं चला सकते हैं, थोड़ी सी क्लिप उसमें हम चला देंगे। यदि आपको उस वीडियो को देखना होगा तो
गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर हैंडल है, उस पर वो वीडियो अपलोडेड है, उस वहाँ आप जाकर सुन सकते हैं, और नहीं तो बाकी कई जगह पर ये चल रहा है, वहाँ भी आप जाकर सुन लीजिएगा जी। हाँ, बोलना चाहेंगे जो लाइव सेशन अमित शाह जी का चला है उसमें साफ साफ अमित शाह बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, निवेशक बोल रहे हैं कि ये घोटालेबाज कंपनी है, ये ऐसा नहीं है, ये ईडी के चक्कर में, सेबी के चक्कर में, इनकम टैक्स के चक्कर में फंस चुकी है कंपनी, ठीक है, कंपनी ये सहारा इंडिया जो चोर कंपनी है, ठीक है, मगर ये घोटालेबाज कंपनी नहीं है, इसको फंसाया गया है। जो ये वहाँ पर लग रहा था कि अमित शाह डायरेक्ट वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप लोग को नहीं लगता है कि अभी ये मान लीजिए जैसा कि उनका कहना है कि अभी इसको हम देखेंगे एक ट्रायल बेस पे 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, उसके बाद जो जेन्युइन पेपर आ जाएगा पेमेंट हम रिफंड करना शुरू कर देंगे। तो डाटा तो नहीं देना था ना सर, 1,07,00,000 का डाटा उनके पास तैयार है पहला फेज का, 10,000 रुपया भी बांटेंगे तो 11,000 करोड़ होता है, क्या उनको कैलकुलेशन नहीं आता है कि 11,000 करोड़ कहाँ से बांटेंगे, 5,000 करोड़ का फंडिंग मिला है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद बोल रहे घटेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या जरूरत पड़ा है कि अब भैया उसका गर्दन धरो, उसको पकड़ो, उसका लाइबिलिटी से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा एसेट है, एसेट को बेचो और 2,00,000 का फंड जनरेट करो, 2,00,000 करोड़ का फंड जनरेट करो। जिस हिसाब से कोरोना काल में बड़े बड़े पूंजियों पति को 22,00,000 करोड़ का पैकेज दे सकते हैं, तो क्या गरीब जनता के लिए 2,00,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते हैं? ये मेन यही सवाल है, जो इन लोग का सवाल है यही कि जो जनता का गाड़ी कमाई जो ये सहारा समूह के द्वारा जो रखा गया है विभिन्न फंडों में, लोगों का यही अब एक आस है कि चलिए पोर्टल लॉन्च हो गया तो ये कब मिलेगा, ये अभी भी जो भी जमा करता है अभी करता है इनका ये सवाल बना हुआ है कि ये मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि 45 दिन में ये पैसा रिफंड होगा, 45 दिन, पहले की बात कही गई थी 9 महीने, क्या मेरे ख्याल से 9 महीने था? जी जी, 9 महीना था पहले, 9 महीना इन्होंने ही कहा था और सरकार ने भी कहा था कि 9 महीना, अब ये आया है 45 दिन, 45 दिन फिर से हम वेट कर लेते हैं कि क्या कुछ होता है, कितने लोगों को पैसा 10,000 रुपये अकाउंट में आता है, ये अभी देखने वाली बात होगी, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि लोगों में, चाहे वो जमा करता हो अभी करता हो, उनमें एक आक्रोश है साफ कि कुछ क्लियर नहीं किया गया, आखिर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। अंत में आप लोग का परिचय हम जानेंगे। रांची मीडिया प्रभारी सत्येंद्र कुमार जी, एक बात हम बोलना चाहेंगे फिर अपना परिचय हम दे रहे हैं, बस एक मिनट। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, इन लोगों का जो ऑर्डर हुआ था कस्टमर का कि इनका पेमेंट करना है, उसका भारत सरकार ने क्या किया, सबको रद्द, मतलब कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है क्या? ना सुब्रतो राय के नज़र में तो है ही नहीं, और भारत सरकार के नज़र में भी नहीं है क्या? मेरा नाम संतोष कुमार, विश्व भारती जनसेवा संस्थान का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। विश्व भारती जनसेवा संस्थान का कार्यकर्ता हूँ, विजय कुमार सिंह। मेरा नाम सुचिता कच्छप। मुन्नी कुमारी। विनोद कुमार पांडे। चलिए अंत में चलते चलते एक अंतिम सवाल जो हर किसी के जुबा पे है, लगातार ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो पोर्टल के माध्यम से पेमेंट मिलने वाला है वो हमसे बेटर आपको जो सहारा के अभिकर्ता हैं वही बता पाएंगे, इनसे ही पूछ लेते हैं। कई लोगों का सवाल है कि जो पोर्टल के माध्यम से सरकार जो लगातार बात कर रही है कि हम पैसा देना शुरुआत कर रहे हैं, तो वो पहले किसको मिलने जा रहा है और कैसे मिल रहा है? देखिए बता दे रहे हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार का मंत्रालय है, सहकारिता विभाग, भुगतान उनके माध्यम से ही सहारा के सभी जमाकर्ताओं को कराने की बात अमित शाह जी ने बोला है कल पोर्टल के माध्यम से। और अब भुगतान किनका मिलना है हम बता दे रहे हैं, 22 मार्च 2022 तक जिनका मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, जिनका अकाउंट पूरा हो गया है, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। जिन्होंने 2022 मार्च के बाद जमाकर्ताओं से, जिन एजेंटों ने पैसा लिया या जिन जमाकर्ताओं ने पैसा जमा किया, उनका पैसा गुल हो गया, अब उनका पैसा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि साफ साफ अमित शाह जी ने बोल दिया है। लेकिन इसमें जो MIS के रूप में थे, जो डेथ मैच्योरिटी है, सहारा की और भी कितनी कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अमित शाह जी पूरा चिट्ठा खोल क्यों नहीं रहे हैं? उनको संरक्षण जो आप दे रहे हैं भारत सरकार, सुब्रतो राय को क्यों दे रहे हैं? आखिर बीच का मामला है क्या आपका? सहारा की 4 सोसाइटियाँ हैं,
सिर्फ चार सोसाइटियाँ, एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन ई मल्टीपर्पस, और एक जो यहाँ पे नहीं चलता है वो कुछ स्टेट में चलता है, सहारा स्टार मल्टीपर्पस। बस चार सहकारी समितियों का ही भुगतान होगा, लेकिन जिनका पैसा रियल एस्टेट, क्यू शॉप, जिनका हाउसिंग बॉन्ड, जिनका कमर्शियल के माध्यम से, जिनका हेल्थोरियम के माध्यम से, उनका पैसे की जिम्मेवारी भारत सरकार क्यों नहीं ले रही है, सारा इंडिया क्यों नहीं ले रही है? उनका पैसा खरबों में उनका भी पैसा है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और ये 86,000 करोड़ ये सहारा ने बताया है, इसका जस्ट दुगुना या तिगुना सहारा ने भारत के जमाकर्ताओं से उठाया है। इसकी जिम्मेवारी अमित शाह पूरा एक रोड मैप दे, अगर 25,000 करोड़ के बाद सहारा से भी अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट कहाँ से कराइएगा, ये जानकारी दीजिए। जनता जानना चाहती है, जवाब मांग रही है आपसे, पोर्टल में सुधार कीजिए। और एक बड़ा पैकेज सहारा के सभी इन्वेस्टरों के लिए भारत सरकार को यहाँ आगे बढ़कर देना चाहिए, और सुब्रतो राय का चड्डी बनियान बेच दे, उनका घर परिवार जितना भी जो चीज़ है उनका एसिड है सहारा के नाम पे पूरे भारत में, भारत के बाहर, सबको नीलाम करके अपने पैसे की वसूली करे, गरीब जनता को मुक्त करे। अन्यथा 2024 करीब है, आपको इसका जवाब मिलेगा। और विपक्ष के जो भी पार्टी है, आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? इतना बड़ा मुद्दा, 70 करोड़ आबादी इससे प्रभावित है, आप लोग क्यों बैठे हैं? शायद आप ये जो सवाल उठाए, शायद विपक्ष समझ रही होगी कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, मुझे तो वोट मिल ही जाएगा। सर ऐसा नहीं होने वाला है, सरकार कहीं की हो, जो विधायक मंत्री नेता जितने भी है सीएम है, अगर सहारा का मुद्दा नहीं उठाएंगे, उनके लिए नहीं आएंगे, सबको साइड किया जाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।